केंद्रीय विद्यालय संगठन हैदराबाद रीजन सेशन एंडिंग एग्जाम 2021-22 क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स टाइम 60 मिनट 60 मिनट्स का मतलब है वन आवर तो ये जो सैम्पल पेपर है ये क्लास फोर्थ के लिए है प्राइमरी स्टूडेंट का भी है जो एग्ज़ाम उनके लिए और 60 मिनट का मतलब है कि उनके लिए जो पेपर होने वाला है वन आवर यानी एक घंटे का होगा तो इसमें देखिए क्या क्या गिवन है ये नॉलेज जो होगा वो दस नंबर का होगा आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं दस नंबर का अंडरस्टैंडिंग भी दस नंबर की है एबिलिटी इन कंप्यूटेशन में टेन मार्क्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेन मार्क्स है यानी टोटल मिलकर हो गए फोर्टी मार्क्स तो आइए हम लोग जल्दी से देखेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूँगा हम इसको आराम से करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो सारे बच्चे बहुत आसानी से कर पाए तो चलिए शुरू करते हैं देखिए नॉलेज में जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के दो क्वेश्चन हैं यानी दो पार्ट में पूछा गया है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू टू इन टू तो यहाँ हम आपको हिंट भी देंगे और समझा भी देंगे देखिए डायमीटर जो होता है किसी भी सर्कल का अगर देखें तो ये जैसे सर्कल मैंने बनाया और ये सेंटर है तो ये सेंटर से होती हुई इस तरफ से जाती हुई ये जो लाइन सेगमेंट है ये डायमीटर है अगर इस सेंटर को हम बोल दें ओ और इसे बोल दें ए सो ओ ए क्या हो गया रेडियस हो गई तो वन टाइम ये रेडियस हो गई वन टाइम ये रेडियस हो गई ठीक है तो हम क्या बोलेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू टू इंटू रेडियस तो आपको यहाँ पे क्या आंसर लिखना है रेडियस लिखना है आप थोड़ा सा छोटे बच्चे हैं क्लास फोर्थ में हैं लेकिन आप इतना समझ सकते हैं बी पार्ट में देखिए शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज यानी ये जो शेडेड पोर्सन बना हुआ है इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं फोर शेडेड कितने हैं टू इसका मतलब हुआ कि जो शेडेड है उसे आपको चूज कर लेना है सो टू बाई फोर अब इसे अगर आप सॉल्व करके लिखना चाहें तो देखिए टू वन ज टू 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 जोर तो आंसर हो गया आपका वन बाई टू नाउ अगेन नेक्स्ट पर आ चुके हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टू क्रॉस टू अब शॉर्ट आंसर आ गया है टू क्रॉस टू का मतलब है कि दो मार्क्स वाले दो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर तो दो पार्ट यहाँ भी हैं ए फिल द टेबल तो कितना आसान है ये कितना प्यारा सा क्यूट सा क्या बना हुआ है ऑक्टोपस बना हुआ है ये ऑक्टोपस बना हुआ है अब देखिए इस ऑक्टोपस की जो आपको दिखाई दे रही हैं क्या दिखाई दे रही हैं दो आँखें दिखाई दे रही हैं और कितने इसके लेग्स दिखाई दे रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी वन ऑक्टोपस के एट लेग हैं तो दो ऑक्टोपस हो जाएंगे यानी दो हो जाएंगे तो एट टू जिक्सटीन हो गए अगर उसके ट्वेंटी फोर लेग्स हैं ठीक है ट्वेंटी फोर लेग्स हैं तो कितने ऑक्टोपस होंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई एट एट थ्री जा ट्वेंटी फोर तो यहां आप लिख देंगे थ्री ऑक्टोपस हो गए अब अगर ऑक्टोपस उक, फोर हो गए तब आपको क्या करना है तो ऊपर देखिए एट की टेबल चल रही एट वन जाट एट टू जाट थ्री जा ट्वेंटी फोर एट फोर जा थर्टी टू तो यहाँ हम फिल करेंगे थर्टी टू ओके नाउ बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये विच पैन ऑफ द बैलेंस गोज डाउन ड्रॉ एन एरो टू शो अब यहाँ आपको बताना है कि जो बैलेंस गिवन है उसमें कौन सा पेन नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली जो पेन भारी होगा वही नीचे जाएगा तो देखिए पहला क्या है 750 ग्राम है और इस तरफ 500 ग्राम है सो so, 750 500 से ज़्यादा है तो ये पेन क्या होगा जो 750 वाला है 750 वाला पेन नीचे चला जाएगा आपको ऐसे एरो बना देना है सेकेंड में देखिए ये जो 65 है ना वो इसके लिए है यहाँ पर है 65 और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा फेव अगर हम लोग इन इस 20 ग्राम और 50 ग्राम का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 70 ग्राम एक तरफ है 65 ग्राम दूसरी तरफ है 70 ग्राम तो कौन सा नीचे होगा 70 ग्राम भारी है सो इट विल गो डाउन तो हमने दोनों में एरो बनाकर आपको दिखा दिया है फर्स्ट में 750 फिफ्टी है हेवियर तो वो डाउन हो जाएगा सेकेंड में 70 ग्राम हैवियर है तो वो नीचे चला जाएगा अब सी में देखिए क्या कहा जा रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर पिक्चर को ऑब्जर्व करिए जो नीचे बनी हुई है और सभी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर दीजिए तो आइए देखते हैं बहुत आसान है बहुत आराम से करिए आपके लिए एक घंटा इस पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा है कोई टेंशन नहीं लेना है जो सबसे पहले आता है उसे ही करना है तो फर्स्ट देखिए ओ ए इज़ कॉल्ड तो ओ का मतलब ये सेंटर हो गया देखो यहाँ पर ओ ए ओ का मतलब हो गया सेंटर ये जो मैं रेड मार्क दिखा रहा हूँ ये है ओ ठीक है ए यहाँ पर हो गया अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था ओ ए इसको हम बोलते हैं रेडियस तो यहाँ आप लिखेंगे रेडियस है ना मजेदार सेम क्वेश्चन ए डी अब देखो ए से डी तक अभी आपको ऊपर भी मैंने दिखाया था ये बड़ी वाली लाइन ए डी इसको हम बोलते हैं डाया तो यहाँ लिख देंगे हम डाया नाउ ए हो गया आपका बी हो गया थर्ड नेम द सेंटर तो सेंटर का नाम क्या है यहां लिख देंगे ओ सेंटर का नाम है ओ लास्ट पार्ट फोर्थ एक और बचा हुआ है इसको भी कर लेते हैं से. देखो नेम वन कॉर्ड तो आपको बता दें भाई कॉर्ड क्या होती है देखो कॉर्ड वो होती है जो इसकी बाउंड्री के दो पॉइंट्स को क्या करती है ज्वाइन कर देती है चाहे वो सेंटर से जाए या फिर ना जाए तो आप ऐसी कोई भी लाइन ढूंढ सकते हैं नेम वन कॉर्ड देखिए एक से ज्यादा हो सकती है इसीलिए इन्होंने एक पूछा है तो आपकी वन कॉर्ड हो गई ए डी मैं दूसरी बता देता हूं दूसरा हो गया सी ई e. दोनों ही बाउंड्री के दो पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से ज्वाइन कर रही हैं सी ए डी सी एंड ई ये सब पॉइंट हैं ए डी ज्वाइन हो रहा है और सीई -E ज्वाइन हो रहा है तो यहां हमने इसे भी कर लिया है आइए आगे चलते हैं अब हम आ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग पर अंडरस्टैंडिंग में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के शॉर्ट आंसर टाइप के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं तो आइए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वन वर्ड टाइप के आंसर हो सकते हैं ए विच सर्कल हैज द लॉन्गेस्ट रेडियस तो बहुत आसान है इतना इजी क्वेश्चन पूछा है जो सर्कल बड़ा होगा उसकी रेडियस बड़ी होगी तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई लिख देंगे क्यों क्योंकि वाई वाला सर्कल देखो ये ये बड़ा है तो इसकी रेडियस बड़ी हो गई नाउ सेकेंड बी पार्ट कॉन्टिन्यू द पैटर्न इसमें आपको क्या करना है ये जो पैटर्न है इसको कंप्लीट करना है तो आप अगर थोड़ा सा भी देखें तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं देखिए पहले हम लोग नंबर्स को पता करेंगे हंड्रेड नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट तो यहाँ क्या आ जाएगा नाइन्टी सेवन फिर यहाँ पर नाइन्टी सिक्स फिर यहाँ पर नाइन्टी फाइव यहाँ पर नाइन्टी फोर अब साथ में देखो ए बी सी डी भी चल रहा है ठीक है अब इनको ऐसे देखो ये ऐसे क्या हो रहे हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं ऐसे ऐसे डिक्रीज़ हो रहे हैं ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं बट जो ए बी सी डी चल रहा है वो सीक्वेंस में उल्टा चल रहा है एक्स वाई जेड तो एक्स के पहले क्या आएगा उसके पहले क्या आएगा इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है ठीक है तो यहाँ आ जाएगा डब्लू क्योंकि होता है ना डब्लू एक्स वाई जेड उसके बाद क्या आ जाएगा डब्लू से पहले क्या आता है वी वी से पहले यू उसके बाद टी देखिए सीक्वेंस बन चुका है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड तो आपका बी भी हो गया है अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को जरूर पूछ सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं अब आ चुके हैं हम लोग शॉर्ट आंसर पर शॉर्ट आंसर इन्होंने फोर मार्क्स का पूछा है ए राइट द सीक्रेट मैसेज इन नंबर्स तो सीक्रेट मैसेज लिखना है बस आपको क्या करना है ए के लिए वन लेना है बी के लिए टू लेना है सी के लिए थ्री लेना है डी के लिए फोर लेना है ऐसे ही आगे करते चले जाना है तो हम लोग जनरली एक फार्मूला आपको बता रहे हैं ई e ज्योति ठीक है ई ज्योति से आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ये होता है फाइव ये होता है टेन ये होता है फिफ्टीन ये होता है ट्वेंटी और ये हो जाता है ट्वेंटी फाइव ओके अब देखो क्या है आपका हार्ड वर्क हार्ड वर्क तो एच पहला आ रहा है तो ई e पर फाइफ़ है ए बी सी डी ई एफ जी एच तो ये हो गया आपका एट एच के लिए हो गया एट फिर से एक बार देखिए ई e पे फाइव है एफ सिक्स हो गया जी सेवन एच एट और ए का मतलब क्या होता है वन क्योंकि इन्होंने बताया है आर आर कहाँ पर जाएगा देखो आर एस टी ऐसे होगा आर एस टी अब टी है आपका ट्वेंटी ये ट्वेंटी है तो यहाँ आ गया नाइनटीन और यहाँ आ गया एटीन तो ये हो गया हमारा एटीन एंड डी डी का हो गया फोर नाउ वर्क वर्क के लिए क्या होगा w ऐसे लिखते हैं ना ए बी सी डी हम पता कर रहे हैं डब्लू एक्स वाई तो वाई के लिए ट्वेंटी फाइव ये है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव से ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से पहले ट्वेंटी थ्री तो यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी थ्री ओ के लिए क्या हो जाएगा ओ के लिए फिफ्टीन है तो फिफ्टीन हो गया आर अभी आप लिख चुके हैं एटीन के जे के तो जे टेन है के का हो गया एलेवन तो ये हो गया हमारा सीक्रेट मैसेज वर्क के लिए तो ओवर अब हम आ जाते हैं बी में बी थोड़ा सा समझना है इन द गिवन लिस्ट शोज द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द स्पोर्ट्स क्लब तो इसमें भी कुछ पार्ट हैं उन पार्ट्स में हम इसकी हेल्प से कर लेंगे वॉट पार्ट ऑफ द नेम्स आर स्टार्टिंग विथ ए तो ए से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं लेटेस्ट चेक नाउ ए अनन्या ए आयुष इट मीन्स ओनली टू सो टोटल कितने हैं टेन टोटल टेन है चेक कर सकते हैं आप थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन एंड वन टेन ए वाले कितने से टू सो so यहां हो जाएगा टू बाई टेन और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सो टू वन जा टू टू फाइव जा टेन यानी वन बाई फाइव इज द आंसर नाउ सेकेंड पार्ट वॉट पार्ट ऑफ द नेम्स आर स्टार्टिंग विथ एस चेक How many s? So, 1, 2, 3, 4, s means starting first letter should be s. So, this time 4 by 10. Now, again you can solve 2 2 a 4, 2, 5 10. So ye get 2 upon 5. How I am taking 2? Because फोर एंड टेन बोथ आर कमिंग इन टू दोनों को आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग ऐसे नहीं करना है तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट नाउ अगेन लॉन्ग आंसर टाइप में ए देखिए सम स्क्वायर्स ऑफ साइड वन सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ द स्क्वायर डी डी में से कुछ स्क्वायर एक एक सेंटीमीटर वाले काट दिए गए हैं नाउ लुक्स इट लुक्स लाइक ई अब ये ई e की तरह दिखाई पड़ने लगा है सो हाउ मैनी वन सेंटीमीटर स्क्वायर्स आर कट फ्रॉम स्क्वायर डी यानी डी में से एक सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर काट लिए गए तो काउंट कर लीजिए देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसमें हो जाएगा एट स्क्वायर्स यानी एट स्क्वायर्स कट कर लिए गए बाउंड्री ऑफ डी बाउंड्री का मतलब है टोटल लेंथ तो ऐड कर दीजिए फाइव फोर जा ट्वेंटी स्क्वायर है फॉर्मूला भी होता है इसका बाउंड्री का फोर इंटू साइड सो फोर इंटू फाइव करेंगे और ये आ जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर नाउ सी बाउंड्री ऑफ ई ई देखिए जिसमें से स्क्वायर कट गए हैं तो उसकी बाउंड्री कितनी है तो हमें क्या करना है उसकी बाउंड्री को ऐड कर देना है तो आप देखिए हर तरफ़ फोर फोर सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया है फ़ोर फोर जा सिक्सटीन यानी ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन तो ये हो जाता है हमारा थर्टी सिक्स चेक भी कर सकते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स ओके थर्टी सिक्स इज राइट आंसर नाउ डी फटाफट करेंगे देखिए डी विच फिगर हैज द लॉन्गर बाउंड्री अब बाउंड्री किसकी ज्यादा है फिगर डी की या फिगर ई e की सो फिगर डी और ई e में आपको बताना है किसकी बाउंड्री ज्यादा है तो दोनों में देखिए एक की ट्वेंटी है दूसरे की थर्टी सिक्स है तो किसकी बाउंड्री ज्यादा है फिगर ई e की हम यहाँ क्या लिख देंगे फिगर ई e या फिर आप डायरेक्टली केवल ई भी लिख सकते हैं अब हम पहुँच चुके हैं एबिलिटी टू कंप्यूट पर अब यहाँ पे हमें क्या करना है कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है डू द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर वन क्रॉस टू यानी टू मार्क्स देखिए ए एंड बी ऐड कर लेंगे ठीक है और बी क्या है डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे कोई बात नहीं है आइए ऐड कर लेते हैं तो फर्स्ट वन इज 64 फोर के जी वन ग्राम एड एड है तो प्लस का साइन बना लेते हैं 9 के जी टू ग्राम तो यहां आ गया एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं जीरो एंड फाइव 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 प्लस सेवन ट्वेल्व वन कैरी हो गया टू एंड वन थ्री एंड वन फोर ओके फोर ट्वेंटी फाइव ग्राम एंड सिक्सटी फोर प्लस नाइन सो फोर प्लस नाइन हो गया थर्टीन वन कैरी सिक्स एंड वन सेवन सो थर्टी सेवेंटी थ्री के जी फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ग्राम इज आवर आंसर नाउ बी डिवाइड आइए डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए डिवीजन कैसे करेंगे बहुत आसानी से डिवीजन करेंगे नाइन एटी फोर ट्वेल्व सो ट्वेल्व की ऐसी टेबल पढ़िए रीड द टेबल ऑफ ट्वेल्व नियरली नाइन्टी एट इट शुड नॉट क्रॉस 8 एट ठीक है ट्वेल्व एट जा क्या हो जाता है नाइन्टी सिक्स सो एट टाइम्स आप ले जाएंगे क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे नाइन्टी सिक्स सब ट्रैक करिए टू आ गया देन ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर अगेन सब ट्रैक कर दीजिए डिवीज़न ओवर तो क्या क्वेश्चन आ गया आंसर में एटी टू सो बी भी हो गया हमारा ए भी हो गया बी भी हो गया ओके नाउ शॉर्ट आंसर टाइप टू टूजा फोर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा भी है मज़ा आएगा इसमें तो आइए करते हैं अरेंज नंबर्स वन टू नाइन इन सच अ वे दैट नंबर्स ऑन ईच लाइन एड अप टू फिफ्टीन यानी आपको इसमें एक से लेकर नाइन तक ऐसे नंबर को फिल करना है कि आप कोई भी थ्री एड करें सीक्वेंसली तो उनका सम आना चाहिए फिफ्टीन सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक देखिए वन प्लस नाइन इनका सम हो जाता है टेन और टेन को आप टू से डिवाइड कर दीजिए सो टेन बाई टू ये आएगा फाइव तो so, हम लोग फाइव को लिख देंगे मिडिल में ठीक है अब फाइव को मिडिल में लिखेंगे तो एक बार प्लस वन एक बार प्लस टू एक बार एक तरफ माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री ऐसे ही करेंगे और आपका ये बहुत आसानी से फिल होने वाला है इसे हम लोग मैजिक स्क्वायर भी कह सकते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखिए फाइव इस तरफ माइनस टू कर देते हैं यहाँ पे माइनस टू कर दिया हमने फाइव माइनस टू क्या हो गया यहाँ थ्री आ गया ओके okay. अब हम इस डायगनल वाले में माइनस वन कर देते हैं तो इधर आ गया फोर अब हम इस तरफ प्लस थ्री कर देते हैं इस डायगनल में तो एक तरफ प्लस करेंगे एक तरफ माइनस करेंगे ऐसा ही हमें काम उसके अपोजिट में करना पड़ेगा तो फाइव प्लस थ्री यहाँ पर एट आ गया अब आप इन्हें एक तरफ माइनस टू किया था तो इधर क्या करेंगे हम प्लस टू करेंगे देखिए कितनी आसानी से हो रहा है और यहाँ आ जाएगा सेवन यहाँ माइनस वन किया था तो फोर आया था इधर प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा सिक्स आ जाएगा इस तरफ आप माइनस फोर कर दीजिए और एक तरफ प्लस फोर कर लीजिए तो फाइव प्लस फोर नाइन आ जाएगा फाइव माइनस फोर वन आ जाएगा और ऊपर डायगनल में प्लस थ्री किया था तो माइनस थ्री कर देंगे इधर टू आ जाएगा बहुत आसानी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है तो ये आपका हो गया इसका आंसर नेक्स्ट देखिए क्या है बी पार्ट में यशिका हैज़ ट्वेंटी सिक्स मार्बल्स विद हर यशिका के पास ट्वेंटी सिक्स मार्बल्स हैं वन बाई टू ऑफ देम आर येलो उसमें से वन बाई टू क्या है येलो कलर में है हाउ मनी आर नॉट येलो तो येलो कितने नहीं हैं वन बाई टू का मतलब होता है हाफ तो देखिए आप ट्वेंटी सिक्स है इसके हाफ क्या हैं येलो हैं तो इसका हाफ कितना हो जाएगा देखिए ऐसे वन बाई टू कर देंगे टू वन या टू इसको कट किया तो थर्टीन हो गया सो थर्टीन क्या हो गए येलो हो गए तो नॉट येलो कितने हो गए वो भी थर्टीन हो गए सो थर्टीन नॉट येलो ओके नॉट येलो थर्टीन हो गए बी भी, भी हो गया कितने आसान क्वेश्चन है ओके okay, बहुत सिंपल से बहुत आसानी से अब ये चार्ट वाला तो बहुत सिंपल होता है फटाफट कर लेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप में है फेवरेट स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिए गेम वाज लाइक बाय मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट यानी सबसे ज़्यादा जिसका सबसे हाईएस्ट बार ग्राफ दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा किसका बेस बॉल तो यहाँ आप क्या लिखेंगे बेस बॉल ये बहुत आसान होता है बच्चों के लिए सारे बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं बेसबॉल हो गया सेकेंड गेम वॉज लाइक बाई टू दो लोग किसको पसंद करते हैं तो देखिए टू यहाँ पर है इसकी सीध में कौन सा ये वाला है कौन सा गेम है गोल्फ सो वी विल राइट हीयर गोल्फ सो सेकेंड हो गया अब आ जाते हैं थर्ड पर थर्ड देखें गेम वॉज लाइक बाई नाइन तो नाइन देखिए ये एट है एट और टेन के बीच में यहां पर होगा नाइन तो नाइन वाला ये है ये नाइन वाला है तो नाइन वाला क्या हो जाएगा आपका नाइन वाला यहां पर हो जाएगा भाई वो तो टेन पे जा रहा है टेनिस होगा टेनिस ये नाइन पर है ठीक है टेनिस यहां हो गया टेनिस नाउ फोर्थ नंबर ऑफ गेम्स वर देयर इन द पिक्चर यानी कितने गेम्स हैं इस पिक्चर में तो काउंट कर लीजिए ठीक है सॉकर टेनिस बेसबॉल बास्केटबॉल गोल्फ वन टू थ्री फोर फाइव और फाइव बार्स भी आपको दिख रहे हैं तो फाइव हो जाएगा फाइव फाइव नंबर ऑफ गेम्स वर देयर इन द पिक्चर फेल हो गया अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्वेश्चन पढ़ना है और आपको अपनी एबिलिटी शो करनी है ए इसमें भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है देखिए ए द वेट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर एस शोन बिलो यहाँ पे फ्रूट्स बने हुए हैं और ऐसे दिखाया गया है वन पपाया इक्वल टू थ्री मैंगो एंड थ्री मैंगो इक्वल टू टू ऑरेंजेस इसका मतलब हुआ वन पपाया इक्वल टू टू ऑरेंजेस नीचे और भी बता रहे हैं वन ऑरेंज इक्वल टू टू लेमन ओके क्वेश्चन देखिए देन वन मैंगो इक्वल टू हाउ मनी लेम्स तो लेमन और मैंगो में आपको रिलेशनशिप पता करना है देखिए वन ऑरेंज ये वन ऑरेंज है इक्वल टू टू लेमन है तो यहाँ पे टू लेमन हो गए और यहाँ भी टू लेमन हो गए सो थ्री मैंगो थ्री मैंगो इक्वल टू फोर लेमन हो गया तो आपसे कह रहे हैं वन मैंगो का बताओ अब हम इधर थ्री से डिवाइड कर दें इधर भी थ्री से डिवाइड कर दें तभी तो यहाँ पे थ्री थ्री कटेगा और वन मैंगो बचेगा वन मैंगो बच गया यहाँ पर और ये क्या हो गया फोर बाई थ्री लेमन तो यहाँ क्या लिख देंगे फोर बाई थ्री अब इन्होंने आगे भी पूछा हुआ है सेकेंड पार्ट में वन पपाया इक्वल टू हाउ मनी ऑरेंजेज तो देखिए वन पपाया इक्वल टू ऑरेंज हैं दिख रहा है ना ये देखिए वन पपाया है यहाँ पे और किसके बराबर कितने ऑरेंज हैं ये वन ऑरेंज हो गया और ये टू ऑरेंज हो गए यानी वन पपाया इक्वल टू टू ऑरेंजेस ठीक है कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं चलिए बी पार्ट कर लेते हैं फटाफट सम चिल्ड्रेन आर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट आइसक्रीम कुछ लोगों से पूछा जा रहा है कि आइसक्रीम ठीक है कुछ बच्चों से सम चिल्ड्रन से पूछा जा रहा है उनकी फेवरेट आइसक्रीम के नाम तो अगर आपको भी आइसक्रीम अच्छी लिखती लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा ये भी बताइए तो जिन बच्चों से पूछा गया वो कह रहे हैं वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी और कलर से आपको दिखाया जा रहा है टोटल 40 बच्चों से पूछा गया है कितने बच्चों से 40 बच्चों से यानी ये जो सर्कल है आपका ये कितने बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है 40 स्टूडेंट को 40 बच्चों को और वनीला सबसे ज़्यादा है देखिए कलर में वनीला 50 परसेंट तो ये हो गए 20 बच्चे 20 हो गए तभी तो भाई हाफ सर्कल लिया तो 20 हो गए ना हाउ मनी लाइक वनीला लीजिए आंसर मिल गया हाउ मनी लाइक वनीला तो आप क्या लिख देंगे ट्वेंटी चिल्ड्रेन ट्वेंटी चिल्ड्रेन हो गया अब कुछ इसमें करना ही नहीं हमको अब शॉर्ट आंसर टाइप में आ चुके हैं ए राम सिंह वॉन्ट्स टू फेंस हिज फील्ड राम सिंह को अपनी फील्ड के चारों तरफ क्या लगाना है तार लगाना है बाउंड्री बनानी है ओके okay? अब यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक्स यहां भी है बाउंड्री इक्वल टू तो देखो बाउंड्री बाउंड्री का मतलब सबको सम कर दो तो एक बार 15 यहाँ लिख देता हूँ मैं फिफ्टीन प्लस सिक्स अगेन फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर चार बार है तो फिफ्टीन और फिफ्टीन थर्टी हो गया और ये भी थर्टी हो गया सो थर्टी प्लस थर्टी इक्वल टू सिक्सटी तो यहाँ आप फिल कर देंगे सिक्सटी ही हैज़ फिफ्टी मीटर्स ऑफ वायर उसके पास पचास मीटर वायर है हाउ मच मोर वायर विल ही नीड फॉर हिज फील्ड अब उसको कितना चाहिए तो कितना चाहिए सिक्सटी माइनस फिफ्टी यानी टेन मीटर उसे और चाहिए तो ये हो गया आपका आंसर अब आइए आंसर द फॉलोइंग में आ जाते हैं देखिए पोस्टल रेट्स गिवेन पोस्टल स्टैम्प के बारे में पोस्टल आइटम्स पोस्टल रेट फिफ्टी ग्राम और लेस यानी अगर पचास ग्राम या उससे कम के लिए पाँच रुपये देना है फॉर एवरी एडिशनल फिफ्टी ग्राम यानी अगर फिफ्टी के बाद कोई भी फिफ्टी ग्राम तक जाते हैं तो थ्री रुपीज़ और आपको देना है ओके okay? थ्री रुपीज़ और देना है तो हम लोग आगे कर लेते हैं जल्दी से देखते हैं क्या है पूर्वी वॉन्ट्स टू सेंड अ गिफ्ट पार्सल टू हर फ्रेंड इन मुंबई फॉर हर बर्थडे अब उसके बर्थडे पे उसको एक पार्सल भेजना है द पार्सल वे 250 फिफ्टी ग्राम्स टू ग्राम का है तो आपको बताना है कि उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा सो so, देखिए 250 250 को आप क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी वन टू थ्री फोर फाइव तो पहले फिफ्टी ग्राम के लिए फाइव रुपीज़ देना है फिर थ्री रुपीज़ फिर थ्री रुपीज़ थ्री रुपीज़ थ्री रुपीज़ कितने हो गए टोटल टोटल हो चुके हैं सेवनटीन रुपीज़ बिकॉज थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन तो ये सेवेंटीन रुपीज़ इनको देना पड़ेगा नाउ लॉन्ग आंसर टाइप आ चुका है केवल हमारे पास ठीक है अब हम इसको जल्दी से फटाफट कर लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप वन क्रॉस फोर इक्वल टू फोर मार्क्स ए फाइंड द फॉलोइंग फर्स्ट अ हैंड कार्ड कैन होल्ड थ्री फिफ्टी ब्रिक्स बिनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक इज टू के जी वॉट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स ठीक है यानी एक हैंड कार्ट है जिसमें थ्री फिफ्टी ब्रिक्स आ सकती हैं अब विनोद ने क्या किया है चेक किया है पता किया है जैसे भी जो वन ब्रिक है उसका वेट टू के जी है यानी एक ब्रिक का जो वेट है वो टू के जी है तो आपको बताना है थ्री फिफ्टी ब्रिक्स का वेट कितना होगा तो बहुत ही सिंपल है हम क्या करेंगे इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए थ्री फिफ्टी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे टू से सो टू so, इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया टू फाइव जा टेन और वन कैरी हो गया टू थ्री जा सिक्स एंड वन सेवन सेवन हंड्रेड के जी आपका आंसर हो गया है ठीक है सेवन हंड्रेड किलोग्राम आप चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर विनोद नीड्स वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ब्रिक्स टू बिल्ड हिज हाउस विनोद को वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ब्रिक्स की जरूरत है अपना घर बनाने के लिए हाउ मैनी कार्ट्स आर नीडेड टू ब्रिंग दैम यानी कितने कार्ट उसे लगेंगे एक कार्ट में 350 फिफ्टी ब्रिक्स है तो हम क्या करेंगे वन फोर ज़ीरो ज़ीरो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे थ्री फिफ्टी से तो बहुत सिंपल से आप डिवाइड कर सकते हैं अगर चाहें तो इस ज़ीरो को इस एक ज़ीरो से कट कर सकते हैं और डिवीजन का रूल है जो फाइव फाइव जीरो को छोड़ दिया जाएगा थ्री फोर ज़ा फोर टाइम्स करके देख लेते हैं हम अब इस कोशिएंट फोर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सो so ये आ जाएगा फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एंड ट्वेंटी का टू कैरी लगा हुआ था तो ये हो गया फोर्टीन और सब किया तो ये कैंसिल इट मीनस फोर कार्ड्स उसे लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे YouTube चैनल एडूटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले सैंपल पेपर में टिल देन बाय बाय